सबसे ज़रूरी पॉइंटर यही दूंगा कि आप स्ट्रेस मत लो, क्योंकि जो आपके कंट्रोल में नहीं है उसके बारे में आप सोचोगे तो फिर कोई फ़ायदा है नहीं, बिकॉज यू कांट डू एनीथिंग अबाउट इट। जो आपके कंट्रोल में है उसे आप ज़रूर कीजिएगा और ख़ुद को हमेशा प्रायोरिटी दो। अगर आप खुद खुश नहीं हैं तो आप किसी और को खुश नहीं कर सकते। एंड बी ऑनेस्ट टू योरसेल्फ। कोई भी आप चीटिंग के तरीके से कुछ भी करेंगे, वो चाहे लोगों को आप कुछ भी बता दें, लेकिन आप तो जानते हैं सच्चाई क्या है, तो उस चीज़ से आप दूर रहें। हाँ, सप्लीमेंट्स, स्टेरॉइड्स, ये सर्जरीज, दे आर नॉट गुड। अब मैं बोल सकता हूँ, आई एम 45। हाँ, मैंने ना अगर बाल झड़ रहे हैं तो झड़ रहे हैं यार, मेरे नहीं झड़ रहे हैं, लेकिन कह रहा हूँ तो जो है नेचुरल रहो। नेचुरल रहकर जो लोग जैसे दिखते हैं ना, दे लुक मच 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 बेटर। क्योंकि जब आप सर्जरी करके मेकअप चढ़ा कर आओगे सामने तो ठीक लगेगा, लेकिन जब खुद आईने में देखेंगे ना सुबह ने खुद को, डर जाओगे। तो वो सब मत करो। हाँ, एंड जस्ट स्टे अ हैप्पी पर्सन, स्प्रेड हैप्पीनेस, स्प्रेड गुड थाट्स, एंड ऑलवेज थिंक इंक्लूसिव कि सबको लेकर आगे बढ़ना है। सिर्फ खुद के बारे में सोचोगे कुछ मैं ही आगे बढ़ जाऊँ सबको पीछे छोड़ के, तो कहीं ना कहीं वो आपके चेहरे पे दिखेगा। सब्सक्राइब फॉर मोर सच इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़।